नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी मेंस की जो एग्ज़ामिनेशन है 60वीं से 62वीं, उसके कॉन्टेक्स्ट में 62। ठीक है, इसके लिए हम मेंस की जो टेस्ट सीरीज है हम फिर से दोबारा जो है शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हम ये पहले भी जून जुलाई से भी कर रहे थे लगातार। बीच में जो है इसे रोका गया था, जो जब एग्ज़ाम्स के रिजल्ट को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी उस समय इसे रोका गया था। अभी फिर से इसे हम शुरू कर रहे हैं और आपको जो है सप्ताह में जो है दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वीकली। ठीक है, और आपको वो क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट करनी है और फिर जो है सभी स्टूडेंट पोस्ट करेंगे, सभी एक दूसरे के आंसर्स की जो कमियां हैं, खूबियां हैं, जो अच्छी बातें हैं या जो निगेटिव बातें हैं, तो उसे अच्छे शब्दों में आप आलोचना भी कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं, और एक दूसरे के आंसर से आपको काफ़ी कुछ देखने को समझने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपकी आंसर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप अकेले जो है, मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा और उसे आपने किसी से नहीं दिखाया, किसी से नहीं चेक कराना, आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका आंसर बहुत अच्छा है, लेकिन ये पॉसिबल है कि आप अपने आंसर में केवल एक डायमेंशन को आप सोच पा रहे हैं। ये पॉसिबल है कि आप एक डायमेंशन में सोच रहे हैं, आपकी जो सोच है या जो आंसर लिखने का तरीका है वो केवल वन डायमेंशनल है, दूसरे जो है दूसरा पक्ष आप देख ही नहीं पा रहे हैं, या दूसरे हो सकते हैं कि वो अलग पक्ष को देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं। तो जब आप आंसर लिखकर ग्रुप में पोस्ट करेंगे, सभी के आंसर में कुछ ना कुछ अच्छी बातें निकल कर सामने आएगी। इससे होगा क्या कि आपके जब आप बहुत सारे आंसर्स को देखेंगे, सभी के आंसर से कंपेयर करेंगे, तो बहुत से नई नई बातें जो हैं आपको, नई नई पॉइंट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आपको जो है ये सब करना है और इसके सहायता से जो है आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको करना ये है कि फेसबुक पे बीपीएससी मेंटर ग्रुप को ज्वाइन करना है। ऑलरेडी इसमें 3300 प्लस मेंबर्स हैं और मात्र चार पाँच महीने से हम काम कर रहे हैं इस पे, तो बहुत अच्छी जो है अभी चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई किसी तरह का पॉलिटिक्स नहीं होती है और बहुत साफ सुथरा ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम ग्रुप पे ही चल रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन अभी डाला गया है जिसे आपको संडे तक लिखकर पोस्ट करना है, उसके बाद नया क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आज जो क्वेश्चन दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के बीपीएससी के लिए, तो चलते हैं हम ग्रुप पे ही सीधे चलते हैं। और कुछ स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है ताकि आपको, आप जब आंसर लिखें तो आपको उससे सहायता मिल सके। ठीक है, जब कोई गवर्नमेंट की मैगजीन्स है उसमें अगर कोई अच्छी आर्टिकल्स आई है तो वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए वहाँ चलते हैं, वहीं पे देख लेंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन डाली गई है, इसका जो आंसर है आपको संडे तक, मतलब कि 8/10/2017 तक ग्रुप में पोस्ट करना है। आप इसको, आपको दो ऐप भी जो है डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, ताकि जो है आप अपने आंसर को अच्छे ढंग से वहाँ पे पोस्ट कर सके। एक तो कैम स्कैनर ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो जब आप आंसर लिखेंगे तो उसे स्कैन करके आप डालेंगे, जैसे ये स्कैन किया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कैम स्कैनर से इसे स्कैन किया, तो बहुत साफ सुथरा आता है जब आप उसे स्कैन करते हैं कैम स्कैनर से, तो इसलिए जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कैम स्कैनर नाम से मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे। और एक फेसबुक का ऐप आता है, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे होगा क्या कि जो पोस्ट है, जब आप प्रश्न को करते हैं पोस्ट ग्रुप में, तो बहुत आसानी से पोस्ट हो जाएगी। अगर आप ब्राउज़र से कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फेसबुक ऐप डाउनलोड करें, लेकिन कैम स्कैनर ज़रूर कर लें ताकि इसको जो है आपका जो आंसर है वो साफ़ सुथरा रहे। दूसरी बात, जो कॉपी होगी जिस पे आप आंसर लिखेंगे वो कुछ ऐसी होगी, इसमें दोनों साइड में लाइन खींच दीजिएगा जैसे कि एग्ज़ाम्स में होता है बीपीएससी के। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो है नाम लिख दीजिएगा ग्रुप का, बीपीएससी मेंटर। यहाँ साइड में जो है डेट लिख दीजिएगा, जो डेट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन आप लिखने जा रहे हैं, और उसके बाद आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर लगातार लिख दीजिएगा। उसके बाद कहीं भी आप क्वेश्चन के जो आंसर लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि बाढ़ का प्रभाव, तो ऐसे अंडरलाइन आपको नहीं करना है, क्योंकि आयोग ने पिछली बार मना किया है
तो अभी आपको अंडरलाइन नहीं करना है, आप ये मान के चले कि आपको अंडरलाइन करने से बचना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी। ये क्वेश्चन दी गई है कि प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ का प्रभाव अत्यंत विनाशकारी है, बिहार के संदर्भ में इसके कारणों व प्रभाव का मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का बाढ़ आप समझ रहे हैं बहुत बड़ी जो है आपदा थी बिहार के लिए, इसलिए जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको तैयार करना होगा। इसके बाद इस पर हम एक और क्वेश्चन बाद में भी कराएंगे, पहले अभी आपको ये लिखकर संडे तक पोस्ट करना है, ठीक है। चलिए, इसके लिए कुछ मटेरियल्स भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, जो सरकार की आर्टिकल्स आती है उस पर जो है, देखिए ये आर्टिकल्स आई थी योजना में, ठीक है। तो इसको है मैंने, इसको जो है मैंने प्रोवाइड आपको कर दिया है, ताकि जो है आप इसे, ठीक है, इसको, इस पे सारी चीज़ें दी हुई है इस आर्टिकल में, तो आप इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। पाँच पाँच पेज की है, इसमें सारी आपदाएँ जितनी भी हैं उन सबसे जुड़ी हुई जो जो सरकार के कार्य हैं या उसके जो प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या सरकार इसके लिए काम कर रही है, कैसे इनका प्रभाव हम कम कर सकते हैं, इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दी हुई है। तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा और आंसर लिखकर आप संडे तक पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आप फेसबुक पे सर्च मारिए बीपीएससी मेंटर ग्रुप, आपको मिल जाएगा। कोस्ट में लिखा होगा CDPO, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बीपीएससी मेंटर ग्रुप फॉर CDPO एंड 60वीं से 62वीं मेंस, ये रहा नाम, ठीक है। आप जब सर्च मारेंगे तो ये ग्रुप मिल जाएगा आपको फेसबुक पे, आपको बस रिक्वेस्ट भेज देना है, आप ऐड हो जाएंगे, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन लिखकर पोस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।